अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाइयां देते हुए कहा कि योग का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ये हमें अध्यात्म से जोड़ता है। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा, क्योंकि योग से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वे उद्देश्य आज सफल हो रहे हैं। योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के इस साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। योग न केवल स्वस्थ जीवन के निर्माण के लिए बल्कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और अपना रही है। भारत में भी योग को लेकर अच्छी जागरूकता लगातार आ रही है। हमारे पुराणों में शिव जी को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की प्रशंसा की है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा, आपकी एकाग्रता और याददाश्त बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा फायदा होगा। योग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह काम के तनाव को दूर करता है और मन में प्रसन्नता बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक रहते हुए प्रसन्न भाव से काम करते हैं तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। हमारी छवि अच्छी बनती है, हमारा कैरियर भी संवरता है। आप सभी से आग्रह है कि अपने लिए और समाज के लिए योग को अवश्य अपनाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।